नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है कि इसमें कितने अनगिनत अजूबे छिपे हैं? हमारा सौर मंडल, जिसे हम अपना घर कहते हैं, प्लैनेटों से भरा हुआ है, हर एक अनोखा और यूनिक। आज चलो हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की यात्रा करते हैं और उसके डेयों और वर्षों के रहस्यों को जानते हैं। जैसे ही हम इस यूनिवर्सीय साहसिक कार्य को शुरू करते हैं, खुद को आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें कि कैसे समय, जो पृथ्वी पर एक स्थिर शक्ति लगती है, दूसरे प्लैनेटों पर बिल्कुल अलग तरह से अनुभव की जा सकती है। आइए एक भव्य यूनिवर्सीय पैमाने पर प्लैनेटों की गति, घूर्णन और समय की अवधारणा की आकर्षक दुनिया में उतरें। इससे पहले कि हम बृहस्पति की यात्रा करें, आइए पहले पृथ्वी पर समय की अपनी समझ स्थापित करें। अपनी धुरी पर हमारे ग्रह का घूमना हमारे दिन और रात के चक्र को निर्देशित करता है। अंबुकम पेथी पृथ्वी को एक पूर्ण घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसे हम एक दिन के रूप में परिभाषित करते हैं। इस घूर्णन के कारण सूर्य पूर्व में उदय होता हुआ और पश्चिम में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, जो हमारे दिन के बीतने का प्रतीक है। इसी प्रकार हमारे वर्ष का निर्धारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा द्वारा किया जाता है। पृथ्वी को हमारे तारे के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। सूर्य के चारों ओर की यह यात्रा एक वर्ष को परिभाषित करती है, एक ऐसी अवधि जो बदलते मौसमों और हमारे ग्रह की जलवायु के साइकिलीय पैटर्न द्वारा चिन्हित होती है। अब आइए अपना ध्यान बृहस्पति पर केंद्रित करें, जो एक गैस जायंट है जिसके पास बताने के लिए एक मनोरम कहानी है। पृथ्वी के विपरीत बृहस्पति में घूमने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। वास्तव में बृहस्पति हमारे सौर मंडल के सभी प्लैनेटों में सबसे छोटा दिन समेटे हुए है। बृहस्पति को अपनी धुरी पर एक पूर्ण घूर्णन पूरा करने में मात्र 10 घंटे लगते हैं। कल्पना कीजिए, बृहस्पति पर यही राचिना की एक दिन पृथ्वी पर एक दिन के मुकाबले आधे से भी कम समय में बीत जाता है। यह फास्टी से घूमना बृहस्पति की प्रतिष्ठित विशेषताओं में योगदान देता है, जैसे इसके घूमते हुए बादल बैंड और ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान प्रणाली जो सदियों से चली आ रही है। भाग 4, बृहस्पति का वर्ष, एक लंबी ऑर्बिट। जबकि बृहस्पति का दिन उल्लेखनीय रूप से छोटा है, इसका वर्ष पूरी तरह से एक अलग कहानी है। सूर्य से इसकी विशाल दूरी के कारण बृहस्पति को एक परिक्रमा पूरी करने में अधिक समय लगता है। वास्तव में बृहस्पति पर एक वर्ष 12 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर आप बृहस्पति पर रहते तो आप हर 12 पृथ्वी वर्षों में अपना जन्मदिन मनाते। बृहस्पति की लंबी कक्षा हमारे सौर मंडल के विशाल पैमाने का प्रमाण है। जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं, दूरियां चौंका देने वाली होती जाती हैं, और प्लैनेटों को अपनी कक्षाओं को पूरा करने में लगने वाला समय काफी बढ़ जाता है। भाग 5, ब्रह्मांड में समय एक सापेक्ष कॉन्सेप्ट। जैसे ही हम स्काई टेपेस्ट्री का पता लगाते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि समय सापेक्ष है। एक दिन या एक वर्ष की लंबाई ग्रह की घूमने की गति और उसके तारे से उसकी दूरी के आधार पर बहुत भिन्न होती है। जिसे हम पृथ्वी पर एक कांस्टेंटांक के रूप में देखते हैं, वह यूनिवर्सीय समय के पैमाने पर एक क्षणभंगुर क्षण है। समय की अवधारणा, जैसा कि हम इसे समझते हैं, प्लैनेटों और सितारों के स्काई नृत्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना ऐसी वस्तुओं और घटनाओं से होता है जो समय की हमारी समझ को ही चुनौती देते हैं। ब्लैक होल से, जहां समय अपनी सीमा तक झुकता है, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार तक, जहां समय अनंत काल तक फैला हुआ प्रतीत होता है। भाग 6, निष्कर्ष, अजूबों का एक यूनिवर्स।
जैसे ही हम बृहस्पति की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए अपने साथ अपने ब्रह्मांड की विशालता और विविधता के लिए विस्मय और आश्चर्य की भावना रखें। बृहस्पति के दिन के तेज चक्कर से लेकर उसके वर्ष के लंबे विस्तार तक ब्रह्मांड समय की रिलेटिवता और हमारे स्कीय पड़ोस के जटिल कामकाज में एक मनोरम झलक पेश करता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो याद रखें कि हमारे अपने से परे अनगिनत दुनियाएं मौजूद हैं। प्रत्येक की समय, गति और ब्रह्मांड के अजूबों की अपनी अनूठी कहानी है। तलाश करते रहें, सवाल करते रहें और अपने अजूबों की भावना को कभी न खोएं।